सन 2019 और 20 में कोरोना एक ऐसी बीमारी बनकर उभरी है जिसने पूरे वैश्विक स्तर पर एक अमूलचूल परिवर्तन ला दिया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में नए नए अंगभूत प्रयोग न किए जा रहे हों। अब सबसे बड़ा प्रयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, चूँकि अब तक इस बीमारी की कोई दवा नहीं बन पाई है, इसलिए इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई। इस प्रक्रिया में जो लॉकडाउन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, इसमें लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर एक कह सकते हैं प्रतिकूल या फिर अनुकूल प्रभाव भी पड़ना प्रारंभ हुआ। इसमें हर क्षेत्र में नए नए शोध या फिर नए नए आविष्कार या नए नए कार्य किए जाने लगे। मैं आज जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसने एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। लॉकडाउन होते ही सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हुआ है तो यह शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्योंकि लंबी अवधि तक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हो गए। बंद होने के कारण बच्चों की या फिर छात्रों की पढ़ाई इससे प्रभावित होने लगी। इस स्थिति से उबरने के लिए ऑनलाइन शिक्षण की प्रणाली पर ध्यान दिया गया और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दे सके और शिक्षण कार्य भी चलता रहे। इस कार्य के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के ऐप का प्रयोग शुरू किया। क्योंकि आज तक अगर उच्च स्तरीय विद्यालयों की बात हम छोड़ दें तो आज तक मध्यम स्तरीय विद्यालय, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए या फिर अन्य विश्वविद्यालय हो गए या फिर अन्य कॉलेज हो गए, इन लोगों ने कभी भी यह नहीं सोचा होगा कि ऐसा समय आएगा जब हमें ऑनलाइन शिक्षण देना होगा या ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। पर यहाँ ऑनलाइन शिक्षा की ये बात प्रारंभ हुई। अब यह जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की बात हुई, इसमें अभी तक कोई भी एक परीक्षित ढांचा उपलब्ध नहीं था जिस पर लोग शिक्षा दे सकें। इंटरनेट पर हालांकि बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं गूगल क्लासरूम का प्रयोग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। स्काइप पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। तो मैं आज हर ऐप के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा कि इस ऐप में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है और क्यों कारगर है और क्यों नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, केंद्रीय विद्यालयों ने गूगल क्लासरूम ऐप पर शिक्षण देना प्रारंभ किया है। बहुत अच्छा ऐप है। इसमें आपको यह सुविधा है कि आप स्टडी मटेरियल इसमें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पाठ्य पुस्तकें हैं आप उसकी कॉपी निकाल करके छात्रों में शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लिंक बनाना होता है, लिंक बना करके उस लिंक को अभिभावकों में या फिर छात्रों में बांटना होता है। जो भी आपकी कक्षा में पढ़ने के लिए आना चाहता है वह क्लासरूम के लिंक पर जा करके, वहाँ ज्वाइन द क्लास में जा करके वह कोड डालेगा। कोड डालने के बाद आपकी उस कक्षा में शामिल हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि उच्चतर कक्षाओं की बात मैं नहीं करता, कक्षा 7, 8, 9 में हो सकता है, कक्षा 5, 6 की बात मैं कर रहा हूँ। 5, 6 के स्तर में छात्रों ही नहीं अभिभावकों को भी इन टूल के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी इस टूल की विशेष जानकारी नहीं है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि शिक्षक कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कुछ क्लासवर्क दे रहे हैं, कई बच्चे तो उसको ठीक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यदि डाउनलोड कर भी ले पा रहे हैं तो असाइनमेंट कैसे जमा किया जाए या होमवर्क कैसे जमा किया जाए, यह बात समझ में नहीं आती। जहाँ तक एक कक्षा में 30 से 35 अथवा 40 छात्र होने चाहिए, वहाँ मैं अगर ऑनलाइन देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 10 से 12 बहुत अधिक तो 4-5 ही छात्र ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो पा रहे हैं। शिक्षक तो अपना काम कर ले रहे हैं, पर छात्रों तक यदि उनकी यह शिक्षण न पहुँचे तो फिर यह बेकार है। इसी प्रकार से मैंने कुछ विश्वविद्यालयों का नाम नहीं लूँगा, मैंने कुछ विश्वविद्यालयों का देखा जहाँ के प्राध्यापक अपने स्तर पर, निजी स्तर पर घर में बैठे हुए जूम ऐप के माध्यम से छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जूम ऐप के बारे में हाल ही में खबरें आई कि जूम ऐप के माध्यम से ठगी भी होने लगी है, हैकिंग भी होने लगी है। और एक खबर तो मैंने यह भी पढ़ा था कि जूम ऐप में जैसे ही क्लास प्रारंभ हुआ उसमें कुछ
अश्लील तस्वीरें आ गई और उन अश्लील तस्वीरों के कारण, अब किसी ने भी शरारत की हो, उन अश्लील तस्वीरों के कारण उस कक्षा को तत्काल बंद कर देनी पड़ी। कुछ व्यापारिक घराने के लोग या फिर कुछ बिजनेस मॉड्यूल्स जो हैं वो जूम ऐप में अपना बिजनेस प्रोसेसिंग सिखा रहे हैं, पर यह शिक्षण संस्थाओं के लिए अभी अति उपयोगी नहीं माना जा सकता। इसमें क्या है, इसका एक वर्जन है जो फ्री वर्जन है, मुफ्त है। मुफ्त वर्जन सिर्फ 40 मिनट के कक्षा का सपोर्ट करता है, 40 मिनट के बाद यह अपने आप बंद हो जाता है। यदि इसमें 100 से अधिक लोगों को आपको जोड़ना हो तो फिर, या फिर 40 मिनट से अधिक का आपको लेना हो तो आप इसके प्रो वर्जन खरीदें या फिर उसको पायरेटेड वर्जन कहीं से डाउनलोड करें और उस पर काम करें, तब बात हो सकती है। तो जूम को भी मैंने पूर्ण रूप से कारगर नहीं पाया। अन्य एक और उपकरण है, सबसे छोटा मान सकते हैं, सबसे सूक्ष्म, व्हाट्सएप पर भी कुछ लोगों ने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। उसमें क्या है कि एक ग्रुप बना ले रहे हैं, ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में वो असाइनमेंट शेयर कर दे रहे हैं या पुस्तकें शेयर कर दे रहे हैं और फिर छात्र वहाँ जा करके अपना असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, बाद में शिक्षक उसको निकाल करके उसकी जाँच कर सकते हैं। पर यहाँ भी एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि यदि आपको पिक्चर फॉर्मेट में असाइनमेंट कोई जमा करता है तो उसको डाउनलोड करना और उसकी जांच करना, पुनरीक्षण करके फिर छात्रों को बताना, ये कठिन कार्य है। और व्हाट्सएप में आप अधिकतम 4 लोगों को ही जोड़ सकते हैं एक बार, यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करना चाहें। कुछ लोगों ने स्काइप का भी सहारा लिया, लेकिन स्काइप में भी है कि आप 10 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, 10 लोगों से अधिक एक साथ आपके साथ नहीं जुड़ सकते, तो स्काइप भी उतनी कारगर यहाँ नहीं हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ने टीम करके एक ऐप बनाया हुआ है, मैंने उस ऐप में भी प्रयास किया, काफ़ी जटिलताएं हैं उसमें। पहली बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम की जो ऐप है वो 365 सॉफ्टवेयर से ही चलेगा। अगर 365 नहीं है तब भी आप इसमें फ्री या मुफ्त वाले वर्जन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, बिना अपनी पीसी से आप चाहें तो काफ़ी कठिन है। मैं पिछले 2-3 दिनों से प्रयास करता रहा कि मैं कुछ लोगों को जोड़ करके इसका एक ट्रायल कर सकूं, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हो सकता है जिन विशेषज्ञों ने इसका प्रयोग प्रारंभ किया है वो उस पर एक ठीक ठाक वीडियो बना करके लोगों को शेयर कर दें तो इसका प्रयोग बढ़ सकता है, पर अभी भी यह बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर है। और इसका जब तक पूर्ण रूप से ट्रायल परीक्षण करके और इसको हर यूज़र के अनुकूल न बना दिया, एकदम आसान न बना दिया जाए, तब तक इसमें कठिनाई रहेगी। इसमें एक अच्छी बात मैंने देखी कि इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल आपको कुछ शेयर करना है तो शेयर करने का ऑप्शन होता है, आप चाहें तो ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो 4 माध्यम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इन 4 माध्यमों का प्रयोग अपने रूप में तो अच्छा है, क्योंकि इसके जो डेवलपर्स हैं वो लोगों को मौका दे रहे हैं कि लोग इसका प्रयोग करें। पर अब जब यह लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म होगी तब शिक्षण संस्थाओं या फिर इनको नियंत्रण करने वाली संस्थाओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे एक साथ बैठ करके या फिर अपने संस्थान में ही आईटी का सहारा लें। मैंने देखा है कि आज की तारीख में भी प्रोफेसर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आईटी के बारे में विशेष कुछ जानकारी नहीं है, बहुत अधिक है, तो उन्होंने पावर पॉइंट स्लाइड बना लिया या फिर पावर पॉइंट स्लाइड को शेयर कर दिया है। चूँकि मोबाइल आज एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है और मोबाइल के माध्यम से यदि आप शिक्षण करना चाहें तो मोबाइल में भी ढेरों ऐसे टूल होंगे, पर उन टूल के बारे में जानकारी देना और फिर उनका परीक्षण करना कि वे टूल सचमुच में उपयोगी हैं कि नहीं, काफ़ी आवश्यक है। तो सबसे अधिक जो आवश्यकता है वह यह है कि जो भी शिक्षण संस्थाएँ शिक्षण देना चाहती हैं वह प्रयास करें कि एक ऐसा टूल डेवलप करें या फिर हायर करें जिसमें कि समेकित रूप से एक वर्ग को शिक्षण दिया जा सके और इस टूल का अनुप्रयोग आसान हो, साथ ही साथ इसको प्रयोग करने के डूज एंड डॉन और हाउ टू या फिर डू इट योरसेल्फ एक नॉर्म बना करके वो लोगों से शेयर करें ताकि उसका सही ढंग से उपयोग हो सके। मैंने देखा है कि HRD अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पहल प्रारंभ किया है, उसमें उन्होंने लोगों से सुझाव मांगा है कि ऑनलाइन या ई लर्निंग के बारे में आप लोग अपने सुझाव दीजिए ताकि भविष्य में इस पर वो कोई कार्रवाई कर सकें। मैं माननीय मंत्रालय को इस बात के लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम जनता से उनका विचार जानने का प्रयास किया है।
यदि उन तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो प्रयास करें कि एक ऐसे टूल या एक ऐसे प्लेटफॉर्म का विकास करें जहां केवल आपको शिक्षण उन्होंने स्वयं विकसित किया या और भी ऐसे कई ऐप विकसित किए हैं जहां से आप स्टडी मटेरियल तो डाउनलोड कर सकते हैं, पर जहां शिक्षक और छात्रों का समावेश होना है, एक दूसरे से बातचीत करके कक्षा में चीज़ें बतानी हैं, वहां इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा मैं कहूँगा कि हर स्कूल या विद्यालय अभिभावकों का भी एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करे जिसमें जो भी टूल वो इस्तेमाल करना चाहें उस टूल के इस्तेमाल की जानकारी अभिभावकों को दें ताकि अभिभावक अपने बच्चों को उन टूल पे शिक्षण लेने में समुचित रास्ता दिखा सकें। इसके अलावा छात्रों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन जब भी खुले तो मैं हर शिक्षण संस्थान और हर सरकारी संस्थान से ये अनुरोध करूंगा कि वो लोग सबसे पहले ई लर्निंग और वर्क फ्रॉम होम कल्चर के ऊपर मिल करके एक ऐसे टूल का विकास करने की ओर सोचें जो बाकी यूजर्स प्रयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क हो, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, यदि आप कोई पेड वर्जन रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी असुविधा होगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ऐसे टूल डेवलप किए जाएँ। चलते चलते मैं सुझाव जो देना चाहूँगा आपको, वह सुझाव यह है कि ऐसे टूल विकसित किए जाएं जो हर तरह से आसान हो, जिसमें ऑडियो वीडियो चैटिंग की सुविधा हो, वन वे कॉन्फ्रेंस ना हो, टू वे कॉन्फ्रेंस हो और साथ में चीज़ें शेयर करने की भी सुविधा हो, यह मोबाइल पर भी चल सके, यूज़र फ्रेंडली भी हो सके। इसके अलावा अभिभावकों और छात्रों को भी अलग से इसके लिए सिर्फ एक सेशन नहीं, नाम के लिए नहीं कि हाँ जी मैंने कर दिया, एक बढ़िया से शिक्षण सेशन हो, एक या दो या तीन सत्र जिसमें आसानी हो उसमें सिखाया जाए, और जो टूल विकसित किया जाए वह केवल ऐसा ना हो कि आप पहले अपने कंप्यूटर में चलाएं उसके बाद वह आपके मोबाइल में कारगर हो पाएगा। टूल ऐसा हो जो यदि हम चाहें तो मोबाइल पे भी चला सकें और यदि हम चाहें